हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, सरप्राइज में अनवील करूं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? आपको जैसा भी आप लोगों को फीडबैक लगे, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, मगर आपको अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। चलिए देखते हैं क्या नया है। सो दिस इज द सरप्राइज फॉर यू ऑल। वी आर स्टार्टिंग न्यू सीरीज फॉर पीओ मेंस, एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू ऑन रेगुलर बेसिस। रोज आपको एक सेशन मिलेगा, ठीक है ना? इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा? देखो, इसमें आपको सीखने को मिलेगी स्ट्रेटेजी, ठीक है? ये तो आपको हर जगह मिलती है। प्लस इसमें हम देखेंगे डीआई, डीआई को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा डीआई आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब बताऊंगा। प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। जो टफ सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, और हमें कौन से सिटिंग अरेंजमेंट है जो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो इसमें बेसिकली हमारा जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू टफ रहेगा, ठीक है ना? ये जो हमारा लेवल रहेगा इसमें क्वेश्चंस का, वो मॉडरेट टू टफ रहेगा। प्लस इसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन सिलेक्शन, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको पहले सिलेक्ट करने चाहिए इफ यू आर स्टार्टिंग द एग्जाम फॉर मेन्स, ठीक है? ये हमारा पूरा मेन्स पीओ मेन्स के लिए रहेगी सीरीज, चाहे आप बात करें आरआरबी की, समझ रहे हो मेरी बात? आरआरबी तो मतलब एकदम निकाल ही दोगे, और हम बात करें आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ मेंस का भी आप अगर इससे तैयारी करेंगे, यकीनन आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी लेवल के मिलेंगे। जैसे कुछ सैंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है? ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है? अगर लोगों, अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। जो लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं इसका आंसर वो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लस अब ये तो रीजनिंग का हो गया पिछला वाला, ये हो गया एक केसलेट, ये मैथ्स का केसलेट है, इस केसलेट को पढ़ना, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन तो ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका केसलेट, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो भी आपका पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो मतलब काफी इजी है। मैं आपको बताऊंगा, देखो जैसे 83.33 है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेंस के लिए आप स्टार्ट करो, इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से, आपको चार चीजें कंप्लीट करनी है इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले। क्या? आपको अपनी कैलकुलेशन पे काम करना है। जो चार चीजें मैंने आपसे कही है ना, वो कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास चार मेन मेथड होते हैं। क्या क्या सर? एक तो हमें टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है? एक हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कहाँ तक के? एटलीस्ट 35 तक के करने हैं आपको। क्यूब्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 15 तक के। प्लस परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये पता होनी चाहिए, है ना? ये चारों चीज अगर आपने कर ली, यानी आपकी कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? बाकी पहले इतना करो, उसके बाद आगे के स्टेप बताऊंगा कैलकुलेशन में। और इसमें बता दूं, इसमें हमारे जो बेसिक मैथ्स पे जो फोकस रहेगा, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स ये सब रहेंगे। आपको पता है कि बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हैं जो देखे गए हैं लास्ट ईयर में, पढ़ेंगे हम पूरा, लेकिन इन पे हम फोकस करेंगे। जैसे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट हो गया एंड वेरियस कॉन्सेप्ट हो गए, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? ये सब चीजें, और इन चार को मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि आप इसमें 100% तक स्कोर कर सकते हो, और स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, लास्ट फोर कॉन्सेप्ट्स। तो आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है, बात समझ रहे हो? इन्हें इग्नोर नहीं करना है, इन्हें आपको कंप्लीट करके आना है, क्योंकि ये आपका जो पोर्शन है, स्कोरिंग पोर्शन है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो सीरीज है बहुत ही स्पेशल सीरीज होनी चाहिए, हमें बस आप लोगों का फीडबैक चाहिए। ये सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बस हमें आप लोगों से क्या चाहिए ना, हमें आप लोगों का फीडबैक चाहिए, वेदर यू आर लाइकिंग ऑल दीज सेशंस और नॉट, ठीक है? क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, सर वी वांट सीरीज फॉर मेंस, तो हमने मेंस के लिए सीरीज स्टार्ट करी है। क्वेश्चंस अच्छा, दो पार्ट में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ, P1 एंड P2, देखना, काफी अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है? सो पीओ मेन्स पे हम पूरा फोकस करेंगे, रीजनिंग प्लस मैथ्स रहेगा। हमें आप लोगों से क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। अगर हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे आप उसे पूरी तरीके से अटेंड करें। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, इस सेशन को लाइक करिएगा, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड, ठीक है? इसका एम है 500+ लाइक्स तक, जिससे हमें पता चले आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर सीरीज फॉर यू गाइस ऑल। सो फ्रेंड्स, यही है, ठीक है? अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।